दुनिया की सबसे भयानक पेंटिंग कौन सी है? आज हम आपको पांच ऐसी ही पेंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया की सबसे भयानक पेंटिंग कहा जाता है। नंबर एक, द अंगेस्ट मैन को दुनिया की सबसे डरावनी पेंटिंग कहा जाता है। इसे किसने और कब बनाया इसका कोई पता नहीं है। बता दें ये पेंटिंग इंसानी खून से बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीन रॉबिसन नाम के शख्स ने इसे अपने घर के बक्से में पाया गया था और इसे देखने के बाद ही उनके साथ हादसे होने लगे। इसके बाद रॉबिसन ने इसे ऐसी जगह पर छुपा दिया जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं। नंबर दो, द क्राइंग बॉय भी भयानक पेंटिंग में से एक है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौर में बनाया गया था। बताया जाता है कि इस पेंटिंग के प्रिंट जहां भी होते हैं वहां आग लग जाती है। इटली के कलाकार ब्रूनो एमिडियो ने इसे बनाया था। कहा जाता है इसे बनाते वक्त ब्रूनो ने बच्चे को रुलाने के लिए उसकी आंखों के सामने माचिस की तीली जलाई थी। नंबर तीन, द स्टेज ग्राफ्ट पेंटिंग को लोरा पी ने बनाया था। इस पेंटिंग को लोरा ने एक फोटोग्राफर की तस्वीर से प्रेरित होकर बनाया था। इस तस्वीर की खास बात है कि जब लोरा ने इसे बनाया था तब गाड़ी के पास किसी आदमी को नहीं पेंट किया गया था, लेकिन पेंट करने के बाद गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा दिखने लगा। नंबर चार, लव लेटर रिप्लिका नाम की एक पेंटिंग भी बहुत भूतिया मानी जाती है। इस पेंटिंग में एक प्यारी सी बच्ची हाथों में गुलाब और एक हाथ में लिफाफा पकड़े हुए खड़ी है। ये बच्ची समता हास्टन एक अमेरिकी सीनेटर की बेटी थी जिनकी 4 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इसे 1 मिनट भी देखने पर भावुक बदलते दिखते हैं। नंबर पाँच, द रेन वुमेन को बनाया है यूक्रेन की कलाकार स्वेतलना टेलेट्स ने। इस पेंटिंग में बारिश के बीच एक स्त्री की आकृति दिखती है। बताया जाता है कि इस पेंटिंग को स्वेतला ने सिर्फ 5 घंटे में बना दिया था। उन्होंने बताया था उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ पकड़कर तस्वीर बनवा रहा हो।